हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो इन टूडेज़ वीडियो विल भी डिस्कसिंग अबाउट सफ़ायर्स न्यू रेंज ऑफ फ्रेग्रेंसेस सो एज यू गाइज नो के रिसेंटली सफ़ायर ने तीन न्यू फ्रेगरेंसेज लॉन्च की हैं और साथ में उन्होंने पुरानी दो फ्रेगरेंसेज़ की पैकेजिंग चेंज की है जो कि हैं डायमंड और बेला डायमंड का कम्प्लीट रिव्यू मैं एक बार दे चुकी हूँ वो आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं बेला की अगर बात करें तो वो भी इनका बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है और डायमंड और बेला ये दो फ्रेगरेंसेज इनकी बेस्ट सेलिंग थी तो इन्होंने क्या किया है कि जो पुरानी इनकी बेस्ट सेलिंग दो फ्रेग्रेंसेज थी यानी कि बेला और डायमंड उनको इन्होंने न्यू पैकेजिंग के साथ रिलीज़ किया है और साथ में तीन नई फ्रेगरेंसेज रिलीज़ की हैं जो कि हैं फीयर्स लॉरीसा और कौरसाज सो so, रिसेंटली मैं मॉल गई थी तो मैंने वहाँ पे सफ़ायर के आउटलेट पे भी विजिट किया और मैंने तीन न्यू जो फ्रेग्रेंसेस थी आई वाज रियली इंटरेस्टेड अबाउट देम के वो कैसी हैं तो मैं उनका आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों न्यू फ्रेग्रेंसे के टेस्टर्स मेरे पास मौजूद हैं एक है लॉरीसा सेकेंड फोरसाज और फीयर्स सो लेट्स टॉक अबाउट लॉरीसा फर्स्ट सो so, लॉरीसा की अगर बात करें तो इट्स बेसिकली आ फ्लोरल फ्रेगरेंस और वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस है लेकिन ये शुरू में काइंड ऑफ स्वीट सी एक स्मेल आती है और शार्प सी स्मेल आती है उस तरह की आती है ओपनिंग में बट ओवरऑल इट्स अ वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस पहले इनकी एक फ्लोरल फ्रेगरेंस थी वाइल्ड फ्लावर के नाम से बट वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी वो कुछ ज़्यादा ही uh, मतलब ओल्ड सी लेडी लाइक फ्रेगरेंस थी लेकिन ये थोड़ी सी मेच्योर और मॉडर्न फ्रेगरेंस है अच्छी फ्रेगरेंस है और इसकी जो बेस नोट्स हैं उसमें भी एम्बर मास्क और सीडरवुड है तो वो इट्स नॉट लाइक स्वीट स्वीट सी फ्रेगरेंस लेकिन शुरू में जो है ना ये स्वीटनेस आती है तो मुझे आई डोंट नो वाई इज़ इट स्वीट इन द बेगेनिंग बट ओवरऑल इट्स अ वाइट फ्लोर फ्रेगरेंस बट विथ द शार्प स्वीट नोट इन द बिगिनिंग सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड वन विच इज़ फीयर्स फीयर्स एक्चुअली मैंने जहाँ पे जब वहाँ पे उसको स्मेल किया था तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड आई वॉज ऑल्सो अमेज क्योंकि एक्चुअली में फीयर्स इज़ जस्ट लाइक डायमंड जो कि मैंने इसको स्मेल किया तो मुझे काफ़ी हद तक ये डायमंड के जैसी लगी थी उसी तरह की फ्रेश फ्रूटी और साथ में फ्लोरल नोट्स फ्रेगरेंस थी है ऑल दो अगर आप नोट्स में देखें तो इसकी नोट्स में रोज भी है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम डायमंड मगर जब आप किसको ओवरऑल स्मेल करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक डायमंड इट्स वेरी मच अलाइक सो इन दैट सेंस आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस बाय द सिफायर्स न्यू लॉन्च ऑफ द स्फियर्स फ्रेग्रेंस बिकॉज इट्स रियली लाइक डायमंड सो आप अगर एक फ्रेगरेंस आपके पास मौजूद है जो कि बेस्ट सेलर भी है तो आप उसी जैसी एक और फ्रेग्रेंस क्यों लॉन्च करें आप कुछ नया यूनिक आइडिया लेकर आना चाहिए था सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट कॉरसाज कौरसाज इज इज़ बेसिकली टू मी इट वॉज अ वुडी फ्रेगरेंस फ्रॉम द टॉप टू द बेस्ट नोट्स इट वॉज वडी टू मी बट वैसे जो अगर मैं इसकी नोट्स देखूँ तो इसमें वुडी इतने ज़्यादा नोट्स हैं नहीं बट इट वॉज लाइक वोडी फ्रेगरेंस टू मी इट हैज़ अ जेजमिन से नोट विच इज़ कॉल्ड मोतिया और uh, उसकी फ्रेगरेंस की नोट जब मैंने इसको मॉल में स्मेल किया था तब मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता चली थी तो टू मी इट वॉज लाइक वुडी एंड फ्लोरल स्मेल अगेन द फ्लावर्स इन हेयर आर द वाइट फ्लोरल्स और जो इसकी बेस नोट्स हैं अगेन वो मस्क हैं और एम्बर uh, है सो इट्स अ वुडी एंड मस्क फ्रेगरेंस और uh, कोई स्वीट फ्रेगनेंस नहीं है ये तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है बहुत ज़्यादा वुडी और मस्की फ्रेगरेंस है तो सो so, ओवरऑल अगर बात करें तो आ, जो सफ़ाया की फ्रेगरेंसेज़ हैं वो मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नॉर्मली इनकी ज़्यादातर फ्रेगरेंसेज़ जो हैं वो फ्लोरल काइंड की हैं और मुझे फ्लोरल फ्रेगरेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जो फ्रूटी फ्रेगरेंसेज भी हैं वो बेरीज़ और इस टाइप की नहीं हैं बल्कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो कि वाटरी काइंड ऑफ़ फ्रेग्रेंस होती हैं ना रिफ्रेशिंग उस तरह की फ्रूटी नोट्स होती हैं इनकी फ्रेग्रेंसिस में सो so, ओवरऑल अगर देखें तो फ्रेग्रेंस वाइज मुझे तीनों फ्रेगरेंसेस पसंद हैं लेकिन आ, कौरसाज मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई लॉरीसा में ये है कि शुरू की जो इसकी शार्प पे शार्पनेस वाली स्वीट नोट है वो मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है और फीयर्स तो ऑलरेडी क्योंकि मुझे डायमंड पसंद है तो मुझे वो बहुत पसंद है सो नंबर वन पे वुड बी फीयर्स नंबर टू पे इट वुड बी लोरीसा एंड नंबर थ्री पे कौरसाज फीयर्स को मैंने नंबर वन पे रखा है लेकिन मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है वो इस सेंस में कि इट इज़ जस्ट लाइक डायमंड सो यू गाइज आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई थिंक मैंने इन तीनों फ्रेग्रेंसेज को एक सम अप कर दिया अगर आप लोग मुझे किसी एक पर्टिकुलर फ्रेगरेंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएगा एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू इट सेपरेटली फॉर यू गाइज़ सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू डिड प्लीज़ इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय